ओम प्रकाश जी ने अपने लैवल से बहुत काम किए हैं, हाई वे लिया, मेडिकल कॉलेज लिया, रेलवे स्टेशन से काम चल रहा, बहुत सारे काम है जो उन्होंने किए हैं, पर असी अपने काम करके गिनाते नहीं है क्योंकि पब्लिक नू पता होना चाहिए कि की काम किए हैं। ऐसे करो, आप सब लोग मेरी सपोर्ट करो, ठीक है, मीडिया पे मेरी सपोर्ट करे और जो जलंधर वाला है वो भी बन जाएगा। अज हुशियारपुर विच भाजपा उम्मीदवार अनीता सोम प्रकाश पुजे, जिथे कि उन्हां वल्लों चोणां नूं लैके आगूआं नाल मीटिंग की गई, फिर मीडिया नूं संबोधन किया है। इस दौरान मीडिया वल्लों केंद्रीय राजमंत्री सोम प्रकाश की धर्मपत्नी अनीता सोम प्रकाश, जिन्हां नूं इस बार भाजपा ने चोण मैदान विच उतारिया है, नूं तिखे सवाल शुरू किए। इस मौके पर अनीता सोम प्रकाश का कहना है कि सोम प्रकाश जी वालों अपने कार्यकाल दौरान बहुत सारे बड़े बड़े काम करवाए गए, वह भी उन्हां कम्मां दे आधार पर वोट मंगणगे। अज दी असी सारे कौंसलर बुलाए सी भारतीय जनता पार्टी के, उन्हां नाल मीटिंग सीगी मेरी कि असी काम दे विच अपने च होर तेजी लियानी है कंपेन दे विच। एक उन्हां नूं हौसला हो जांदा जदों असी मिलदे हाँ सारे कौंसलरां नूं और मिल के फिर सारे काम करते हैं। देखो मुद्दे तो जिहड़े पहला सोम प्रकाश जी ने काम किए हैं वो काम कर चुके हैं और हुण इलैक्शन शुरू हुई है और मुद्दे पब्लिक ने दसने हैं। जे मैं मुद्दे दसूंगी तो पब्लिक को की पुछूंगी। देखो सोम प्रकाश जी ने अपने लैवल से बहुत काम किए हैं, हाई वे लिया, मेडिकल कॉलेज लिया, रेलवे स्टेशन से काम चल रहा, बहुत सारे काम है जो उन्होंने किए हैं, पर असी अपने काम करके गिनाते नहीं है क्योंकि वो पब्लिक नू पता होना चाहिए कि की काम किए हैं। और जेडे आने वाले 5 साल है उन्होंने परमात्मा ने मौका देना है और पब्लिक के बीच जाके पूछना कि उन्होंने किहड़े मुद्दे है और उन्होंने काम करना है। मैं देखो परमात्मा का आशीर्वाद लेंदी हूँ और कंपीटिटर किसी कोई भी कंपीटिशन नहीं है मेरा किसी नाल भी। मैम पब्लिक की तुसी गल कर रहे हो, पब्लिक विच तां इस गल दा बहुत ज्यादा रोस है कि 5 साल तो मंत्री साहब साडे च बड़े ही नहीं जी, उन्हां दा फगवाड़े तों लैके घरूट हुंदा है सब दे घर तक जी। देखो ये कोई नहीं हुंदा, ये मन च एक भावना आ। देखो तुसी पत्रकार हो, तुसी सवाल करना है, पर सोम प्रकाश जी जदों भी आए आ दिल्ली तो वो हर बार हुशियारपुर विच आए आ, रेस्ट हाउस बैठ के भी मीटिंगा करते रहे आ, सू साहब दे बैठ के भी करते रहे आ, पब्लिक दे काम भी किए आ। और कदी भी नहीं ये हैगा कि वो नहीं आए, वो तो किसानी मुद्दे वेले भी आते रहे आ, तुसी देखिया होना भी उन्होंने किन्नी बारी घेरिया भी आ, जे वो आते सी तां घेरदे सी। देखो किसान वीर मेनू हुण पूरा विश्वास है कि मेरे हलके विच किसान वीर मेरा विरोध नहीं करूंगे। ये अपना एक विश्वास हुंदा है किसानां दे नाल, हमेशा सोम प्रकाश जी खड़े होए आ और उन्हां नूं भी ते मैनूं भी पूरा विश्वास है कि मेरा विरोध नहीं करूंगे। विजय सांगला ने दोष लाए आ कि कहिंदे मेरी विरोधी धिर आ, उन्हां ने मेरे ते जिहड़े गलत चार्ज लगाए आ, कदे चाहे ओह लेडीज़ नूं लैके चाहे ओह करप्शन नूं लैके, उन्हां ने सिद्धे तौर ते पार्टी नूं भी चैलेंज कर दित्ता होया, दो धोखे है कि पार्टी उन्हां दे नाम नशर करे। देखो बहुत सीनियर नेता है, मैं फर्स्ट टाइम इलैक्शन लड़ रही हाँ, मैं उन्हां बारे कुछ नहीं कह सकती और असी किसे दे लई साडे मुंह तो कदी कदी नहीं सुनोगे कि असी किसे लई कुछ बोल सकते। तुसीं कर लगे बनाउण दी कोशिश नहीं कीती अजे तक उन्हां नूं? देखो पार्टी हाईकमान जा रही है उन्हां कोल, ओह पूरी कोशिश कर रही है। देखो पिछले 5 साल सीगे उच्च अद्धा समा ते जिहड़ा आ कोरोना दे विच निकल गया, तुसी भी देखिया कि बहुत माड़ा समा सी और अद्धा समा ही सी जिहड़ा काम करन लई मिलिया और उहदे विच उहनां ने जिन्ने काम कर सकदे सी उहनां ने कीते आ। और जिहड़ा आउण वाला समा है मैं तुहानूं दस्सिया कि जो पब्लिक कहूगी वो करन दी असीं पूरी कोशिश करांगे। कोई वड्डी रैली च कोई वड्डा लीडर भी आउण दी संभावना आउण वाले दिनां विच? बिल्कुल आउगे जी। मतलब पिछली वारी गुरहिरन सिंह विरोध होया सीगा जी, जदों किसानां ने विरोध कीता सीगा ओह निपुण शर्मा जी दे घर होया सीगा जी, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਕੇ ਆਏ ਤੇ ਕਦੋਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਬੈਠੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਟਿਕਟ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਨਿਪੁਣ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਦੀ ਪੋਸਟ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤਾਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਨਾਲ।
ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਾਰਿਆਕਰਤਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਕੌਂਸਲਰ ਵੀ ਬੁਲਾਏ ਸੀਗੇ। ਦੇਖੋ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਸੀ, ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਛੇ ਕੰਪੇਨ ਸੰਭਾਲਦੀ ਸੀ, ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ। ਫਗਵਾੜੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਵਾਰੀ MLA ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਰੈਜੀਡੈਂਸ ਸੀ। ਇਹ ਰੈਜੀਡੈਂਸ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹੀ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਹੈ, ਬਟ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਫਗਵਾੜਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਫਗਵਾੜਾ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੈਜੀਡੈਂਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੂਗਾ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 2 ਵਾਰੀ ਜਿਤਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਜਿਤਾਇਆ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ 3-4 ਵਾਰੀ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਉਹਦਾ ਜਰੂਰ ਕਰਤਾ ਚਾਹੀਏ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਰੋ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ। ਮੈਡਮ ਸਾਂਪਲਾ ਗੁੱਟ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਕੈਸੇ ਦੂਰ ਕਰੋਗੇ, ਕੋਈ ਉਨਕਾ ਸਮਰਥਕ ਯਹਾਂ ਪੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹਾ, ਈਵਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਵਰਮਾ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ, ਅਸੁਨੀ ਓਰੀ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ, ਉਨਕਾ ਲੜਕਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਭਾਜਮੋ ਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, हमने इतने बार इलेक्शन लड़ाया, हम विकास पब्लिक से पूछ के करते हैं, जो पब्लिक की डिमांड होती है हम खुद वादे कर ले और बाद में वो निभाए ना, पूरे देश में वो वादे नहीं होते हैं। बीजेपी का विरोध है, देखो जी कुछ देश जी कोई विरोध नहीं है, देश तरक्की पे जा रहा है। मोदी जी कहाँ से कहाँ ले गए आप लोगों को भी पता है, ये सब कुछ मीडिया को पता होता है, क्या इंडिया कितनी तरक्की कर रहा है, भारतवर्ष कितनी तरक्की कर रहा है आपको भी पता है। पहले फॉरेन कंट्री में कोई नाम नहीं लेता था, अब पहले भारत का नाम लिया जाता है, मोदी जी का नाम लिया जाता है, सभी आपने देखा होगा, सभी कंट्री में आप देखते हो, मैं भी देखती हूँ, सारे लोग देखते हैं, इसीलिए मोदी मोदी करते हैं ना, भारतीय जनता पार्टी करते हैं ना। मैडम क्या लगता है आपको कि राम जन्मभूमि बनने का या 370 का कितना लाभ मिलेगा, आप कुछ लग रहा है आपको? देखो जो राम मंदिर है वो सभी का है, कोई पार्टी का नहीं है, पर उसका सौभाग्य बनाने का जो है वो भारतीय जनता पार्टी को मिला है। इतने सालों से राम जी बाहर बैठे थे, हम लोग घरों में थे, और जो 500 सालों बाद राम जी अपने घर में गए हैं, इस बात से खुशी होनी चाहिए सभी को, सियासत नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, लेकिन जिहड़े तुहाडे कार्यकर्ता है सोशल मीडिया जिन्नी कंपेन चल रही है वो 370 राम मंदिर और CAN लैके चल रही है, कितने भी सोम प्रकाश जी का लोकल लैवल के उत्ते दिखाई नहीं दिता भी उन्होंने कोई आफ्टर ऑल कार्यकर्ता तो पता होना चाहिए ना, साडे सांसद ने की किया असी लोगों को दसना चाहता है भाई। देखो कार्यकर्ता थोड़े बिच ही आ, थोड़ू का देखो 2 मंत्री नाल बैठे आ मेरे, तुसी इन्हां नूं पुछ सकदे हो, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਕੰਮ ਹੋਏ ਆ। ਦੇਖੋ ਚਾਰਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹ ਚਾਰਟ ਉਹ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਮੇਰਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੂੰਗੀ, ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਪੜ੍ਹੇ, ਪਬਲਿਕ ਪਤਾ ਰੱਖੇ, ਯਾਦ ਰੱਖੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਲੇਕਿਨ 2024 ਹੁੰਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਕੰਪਲੀਟ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਸਦ ਬਣਦੇ ਹੋ ਜਲੰਧਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਾਲਾ ਉਹ ਵੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ,
जब फुगवाड़ा हुशियारपुर वाला बन रहा है, देखो फुगवाड़ा हुशियारपुर वाला आप देखोगे जाके मटेरियल आ चुका, मैं भी देख के निकलती हूँ, मशीनरी आ चुकी है। आज तक हुशियारपुर से रेलवे का फाटक आगे नहीं बढ़ा, तो आप लेके जाएंगे? ऐसे करो, आप सब लोग मेरी सपोर्ट करो, ठीक है, मीडिया भी मेरी सपोर्ट करे, और जो जलंधर वाला है वो भी बन जाएगा, वो भी बन जाएगा। अज दिल्ली हाई कोर्ट वालों एक बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी आ, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जड़े करप्शन घोटालिया के जुर्म के जेल के तिहाड़ जेल उन्होंने कीतिया। तुम्हें याद आएगा कि कुछ पटीशन पी पहले उन्होंने कहा कि केजरीवाल सीएम की कुर्सी पर बैठ के जेल चो कि चला सकता, उन्होंने सीएम की कुर्सी तो लाया गया। उन्होंने पटीशन के मानयोग हाईकोर्ट ने कहा कि भाई साडा काम नहीं है, लेफ्टिनेंट गवर्नर या राष्ट्रपति ये देखेगा, बिल्कुल सही कहा। एक पब्लिक इंट्रस्ट लिटिगेशन उसके बाद आई है, वो इस करके आई है कि 2 लाख तो उपर विद्यार्थी जड़े सिगे दिल्ली दे, जिहड़ा कि बड़े दावे करते हैं ये भाई असी बहुत अच्छी सिक्ख्या देंदे हाँ, बहुत वधिया स्कूल आ, उहदा पोल खुलदा पिया कि 2 लाख तो ज़्यादा विद्यार्थी जड़े आ उन्हां नूं किताबां नहीं मिलियां जड़े सरकार दिंदी सी, उन्हां नूं बस्ते नहीं मिले, उन्हां नूं वर्दियां नहीं मिलियां, उन्हां नूं स्टेशनरी नहीं मिली, और उन्हां दी पढ़ाई बिल्कुल हाल्ट हुई पई आ। तो अखीर लोगों ने तंग आ के सरकार को मिन्नता करने तो बाद हाई कोर्ट का रुख किया, मानयोग हाई कोर्ट ने कहा भी क्यों नहीं तुसी कह रहे। उत्थे उन्होंने एक एफिडेविट फाइल किया दिल्ली के शहरी विकास मंत्री सौरभ भारद्वाज का, जिन्होंने ये कहा कि ये 5 करोड़ तो उपर के फैसले जड़े आ स्टैंडिंग कमेटियां कर दी, तो स्टैंडिंग कमेटियां बनिया ने क्योंकि केजरीवाल दिल्ली च। मैं हैरान हाँ कि केजरीवाल अपनी वाइफ नूं संदेश देंदे आ कोई पानी तो बगैर ना रहे, कोई स्कूल ना बंद होवे, कोई एक इमोशनल लोगों की ब्लैकमेलिंग करते 2-3 मैसेजेस अपनी वाइफ के थ्रू पढ़ा के, और कहंदे मैं सरकार दिल्ली चो चलाऊंगा जेल चो चलाऊंगा। तो ये स्टैंडिंग कमेटियां क्यों नहीं बनिया, इहदा कारण की है? जां उहनां कोल पैसा नहीं है जिहड़ा खर्चिया जाना, जां उहनां दी इच्छा नहीं है, जां उहनां नूं चिंता नहीं, जां उहनां दा जिहड़े पूरे फफड़ेबाजी से भी असीं बहुत वधिया एजुकेशन दे रहे हैं, वो टोटल एक वोट बैंक की राजनीति से। असल दे विच कुछ पिक्चर हो रहा, वो पहला भी कई बार पिक्चर जी नंगी हो चुकी आ, उत्थे स्कूल भी बिल्डिंगा टट्ठियां आ, कुत्ते बैठे आ अंदर, पानी जमा हैगा, सो इस तरह का जिहड़ा हैगा। हुण हाई कोर्ट ने बहुत सख्त टिप्पणी की आ भाई केजरीवाल नूं तां कहिंदे आ भाई जेल चो मैं सरकार चलाऊंगा, जे उहनूं सरकार उन्होंने मतलब अपने निजी हित नालों एक पब्लिक का हित या जनता का हित तो उपर निजी हित प्यारा है, जो कहता मैं जेल चो सरकार बनाऊंगा फिर बाकी काम क्यों नहीं हो रहे। सो यदा मतलब यह आ कि उन्हों निजी हित प्यारा, और तुम याद होना वो अजकल भी बड़ी वायरल होंगी वो, मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी को जूते की नोक के रखता हूँ, केजरीवाल ने कहा, तुम सब ने सुनया होना, मतलब तुसी अंदाजा ला सकते हो भाई किन्नी पार्टी ढोंगी आ, होक्सी आ यह पार्टी, भाई लोगों नूं मूर्ख बनाने वास्ते कहती कुछ आ ते करती कुछ आ। और अज दियां हाई कोर्ट दियां टिप्पणियां ने कि केजरीवाल नूं देश दे इंट्रस्ट नालों, देश दे हितां नालों, बच्चियां दे हितां नालों अपनी कुर्सी प्यारी आ, टॉलरेबल नहीं है, सहन योग नहीं है। सो इस तरह के सिचुएशन च मैं ये कहना चाहना कि आम आदमी पार्टी का पोल खुल चुका है, इन्हां दी देश सेवा दा, ये कहते सी भी असी भ्रष्टाचार नहीं करांगे, असी एक अंदोलन उस अंदोलन चो उपजी पार्टी हाँ जिहड़ी भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ी हुई हिंदुस्तान, जिहड़ा कांग्रेस दा उसले भ्रष्टाचार से उहदे चों निकली हुई, और अज ये पार्टी नको नक गले तक भ्रष्टाचार च डुबी नज़र आती है। एक्साइज घोटाला तुसी देख लिया, ये बहुत सारे इन्हां दे मंत्री इनवॉल्वड आ, केजरीवाल आप इनवॉल्वड आ, और इन्हां दे गुरगे बहुत सारे इनवॉल्वड आ, उन्होंने जमानत नहीं हो रही, बार बार वो जमानत पा रहे हैं, और अगे
वाटर सप्लाई घोटाला भी चल रहा, होर भी जोड़े इन्हों काम कार हर एक चीज़ घोटाले की जी बूत आ रही है और उन्होंने इनकुआरिया शुरू। सो आम आदमी पार्टी पंजाब क्लेम करती है कि सूँ बहुत व्डा हंगारा मिले, तो इदा दिया टिप्पणियां जड़ी आई है और पंजाब जो उन्होंने कारगुजारी आ इतों भी भारी। इतने साड़िया भैनों इन्होंने गुमराह करके मातावान भाई 18 साल तो उपर हर लड़की असी 1000 रुपया जितन सरकार बनी उदन ही हरे पहनना असी फैसला करा। अच 2.5 साल हो गए हाईकोर्ट का ऑर्डर नहीं, टिप्पणियां अच्छ की सुनवाई के दौरान उन्होंने तुम बच्चों के दे नहीं रहे, वो कहते इस करके नहीं दे रहे स्टैंडिंग कमेटी, वो कहते फिर यद मतलब केजरीवाल तो उन्होंने सख्त टिप्पणी की भाई वो क्यों उस मुख्यमंत्री बन के बैठा है, क्यों मुख्यमंत्री बन के बैठा, क्यों बर्बाद कर रहा देश के हितों तो कहते निजी हित ज़्यादा है तो मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं, एक कुर्सी के प्यारे लोग आ सारे इन्हों लोग ना कुछ नहीं एक दिखावा मात्रा सारा नहीं मैं कहूँ कहना जी और कहते मैं जेल चो सरकार चलानी इदा की सरकार चलनी जिदा की भाजपा पर की ईवीएम के कारण भाजपा सरकार बनाती रही है। कल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया, जितनी याचिकाएं थी बैलेट पेपर को लाने की सब खारिज हो गई, इसे कैसे देखते हैं क्या ये भ्रामक बयान? देखो देखो ऑपोजिशन को मुद्दा नहीं है, मोदी साहब ने इन्ने काम करते उन्होंने को मुद्दा कोई नहीं है, विकास के मुतलक गरीब कल्याण के मुतलक उन्होंने कोई मुद्दा नहीं है, देश की सुरक्षा के मुतलक विका नौजवानों के जोड़े उन्होंने वास्ते काम किए महिलावान वास्ते काम किए उन्होंने कोई मुद्दा नहीं, वो फिर ईवीएम वर्गे मुद्दे लेंगे जदों तो वो जित जाते किसी स्टेट ज किसी कारपोरेशन फिर ईवीएम ठीक हो जाती है और जो हार जाते फिर ईवीएम खराब हो जाती है। सो इन जित हार ही जी ईवीएम की खराबी तो ठीक जी होंगी है। सो यदा मतलब यह आ कि पार्टी जी चाहे आम आदमी पार्टी आ चाहे कांग्रेस आ चाहे होर पार्टियां ये सारिया ईवीएम का मुद्दा लैके बार 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 जा रही हैं और सुप्रीम कोर्ट ने वंस फॉर ऑल स्पष्ट करता कि नो बैलेट और इस जिहड़ा इलैक्शन कमीशन ने सिस्टम तैयार किया हैगा ये बिल्कुल परफेक्ट हैगा, इहदे च कोई बेईमानी का चांस नहीं है और जो रिजल्ट आ रहा वो मान्य ना वीवीपैट के सारे पर्चियां गिनने की लोड़ आ सैंपल पीस गिनते हैं। थैंक यू। Thank you.